श्याम से हैं सर। सर इन डिस्कशन से ये मालूम होता है कि LDCT एक इफेक्टिव तरीका है लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने का, बट क्या ये कुछ इसके अलावा भी हम और कुछ कर सकते हैं जिससे प्राइमरी प्रिवेंशन हो, और आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? आई थिंक लंग कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन जैसे हो रहा था कि आज से 100 साल पहले शायद लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही कम था। तो ये एक मैनमेड प्रॉब्लम है। वो क्यों है? सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग इज द मेजर कॉज। अगर आप 100 पेशेंट्स ले लंग कैंसर के, तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स के अंदर सिगरेट या बीड़ी या टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री पाई जाएगी। तो ये अगर हम उसको प्रोहिबिट करें स्मोकिंग को, तो देन यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। बट ओवर द लास्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स जो हम पॉल्यूशन देख रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में हो रही है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, चाहे वो व्हीकल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है या स्टबल बर्निंग है, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ बिग वे फॉर कॉजिंग लंग कैंसर। और ये हम यंग एज ग्रुप में देख रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अरविंद ने और डॉक्टर नीरज ने बताया, 20-20 साल के बच्चे हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले कभी नहीं देखते थे। लेडीज देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, जिनको कि लंग कैंसर हम डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन एडवांस स्टेजेस। तो ये दो चीजें अगर हम किसी तरह से काबू पा सकें, तो दिस इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड ऑफ कोर्स सेकेंडरी प्रिवेंशन इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू बाय डिटेक्टिंग दीज केसेस अर्ली फॉर इंडिविजुअल जो कि हाई रिस्क पे हैं। तो जो LDCT है उसका, जैसे आपने क्लियरली बोला कि उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो इज इन फेवर ऑफ बेनिफिट, एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग फॉर इट, ऑल्दो देयर इज अ लिटिल हाई रिस्क एट सब्सिक्वेंट एज ग्रुप। सो आई थिंक दीज आर, दिस इज अ प्रिवेंटेबल कैंसर, बिकॉज अगर आप किसी तरह से टोबैको स्मोकिंग को बंद कर दें, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें, तो ये कैंसर की मात्रा बहुत कम हो जाएगा। दिल्ली इज द हब ऑफ लंग कैंसर। अगर आप 100 कैंसर्स लें लंग के अंदर, तो ऑलमोस्ट 15-20 कैंसर्स लंग कैंसर के होते हैं टोटल कैंसर में से, एंड दिल्ली इज नंबर वन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सर आप एक सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप हर तरह के कैंसर्स देखते हैं, इन योर ओपीडी आप जैसा कि बता रहे हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन आपके लंग कैंसर के पेशेंट्स हो रहे हैं, तो डू यू फील ओवर द सो मेनी इयर्स ऑफ योर प्रैक्टिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज? एंड अनफॉर्चुनेटली वो चेंज हम लोग अभी एज अ इंडियन कंट्री में हम लोग उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो सर कैंसर रजिस्ट्रीज और कैंसर डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो आई थिंक जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि यंग एज ग्रुप्स में हम ये कैंसर पेशेंट्स देख रहे हैं, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज भी लें जहाँ की पॉल्यूशन उतनी नहीं है, जहाँ पे कि लोग यू नो सचेत हैं स्मोकिंग के बारे में, वहाँ पे भी आजकल लंग कैंसर की जो पकड़ आती है वो स्टेज 3-4 में ही आती है, 70-80%। ये आपका बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है अगर आप स्टेज 1-2 में पकड़ पाएं, क्योंकि अगर स्टेज 1-2 में आप पकड़ पाएंगे तो लगभग 70-80% लोगों को क्योर कर पाएंगे। अगर आप स्टेज 3 या 4 में पकड़ते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल इज हार्डली 10%, 15%। तो वो हम जो देख रहे हैं आज के डेट में स्टेज 3-4 के लंग कैंसर ज्यादा देख रहे हैं, हालांकि डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर जैन और दूसरे यूनिट्स के आने से ये हमको अर्ली कैंसर भी हम पकड़ पा रहे हैं, लेकिन 70-80% मेरे ख्याल से लंग कैंसर, डॉक्टर अरविंद मेरे से सहमत होंगे, आर इन एडवांस स्टेजेस। उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा ये कह सकता हूँ कि दैट इज द मेजर बल्क पॉपुलेशन ऑफ लंग कैंसर पेशेंट्स। उसमें जो हमने तरक्की की है पिछले 10 वर्षों में, दैट इज इन द एरा ऑफ टारगेटेड थेरेपी। अब हमारे पास जो लंग कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनके हम टिश्यूज को जीन्स टेस्ट के लिए भेजते हैं, पर्टिकुलरली जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें EGFR जीन या ALK जीन या BRAF जीन या ROS1 जीन, ये 4-5 ऐसे जीन्स हैं जिनके कि हमारे पास टैबलेट्स आ गई हैं, जो कि हम केवल वो पेशेंट को टैबलेट देते हैं और 70-80% पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं और उनकी जिंदगी 4-5 साल से भी ज्यादा हो जाती है। अब एक और नई पद्धति आई है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, तो वो स्मोकर्स में ज्यादा पॉजिटिव होता है, जिसको PD-L1 टेस्ट बोलते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इन गोलियों के और इम्यूनोथेरेपी के। तो स्टेज 3-4 के जो पेशेंट्स हैं जो कि पहले केवल केमोथेरेपी पे निर्भर होते थे, उनको हमें टारगेटेड दवाइयां इम्यूनोथेरेपी दवाइयां देके उनकी लाइफ को हम 5 साल से भी ज्यादा तक कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो साइंस में एडवांसेस हो रहे हैं, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर हम कैंसर को होने से रोक ही दें तो इन सब दवाओं की, इन सब इलाजों की जरूरत ही ना पड़े, जिनके अंदर की शायद साइड इफेक्ट्स हैं, कॉस्ट फैक्टर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर आप उसको जल्दी पकड़ पाए। थैंक यू सर।